शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च। अद्य वर्गस्य विषयः प्रश्नवाचक सर्वनाम सभतः। अब देखिए, वर्ग खष्टम कक्षायाम अहम कृष्णानंद झा अस्मि। प्रश्नवाचक सर्वनाम सभतः। प्रश्नवाचक मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। देखियो, किम ये मूल शब्द है, ये पुलिंग है। कह कौ के, कह बाल कौन लड़का, कौ बालो कौन दोनों लड़का, के बाला कौन सब लड़का। कह, कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन दोनों, के मतलब कौन सब। कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन दोनों, के मतलब के सब। यह प्रश्नवाचक है, इसका मूल शब्द है किम। इससे तीन निकलता है, एक पुलिंग निकलता है, एक स्त्रीलिंग आता है और एक नपुंसक लिंग आता है। अब देखिए, तत् शब्द जो है उसका भी पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होता है। उसके बाद एतद शब्द का भी पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होता है। इदम शब्द का भी पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होता है और किम शब्द का भी पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होता है। लेकिन अस्मद युष्मद, कहने का मतलब तुम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, इसका स्त्रीलिंग पुलिंग अलग अलग नहीं होता है, यह एक ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। कह, कौ, के, यह लड़का के लिए है। कह मतलब कौन या क्या, कौ मतलब कौन दोनों या क्या, के मतलब कौन सब। कह बालह, कौन लड़का, कौ बालो कौन दोनों लड़का, के बाला कौन सब लड़का। अब चलिए स्त्रीलिंग में, का, के, का ये मतलब कौन, के मतलब कौन सब, कौन दोनों, का मतलब कौन शब्द। इसका प्रयोग भी बताया गया है, का बालिका, कौन लड़की, के बालिके, कौन दोनों लड़की, का बालिका, कौन सब लड़की। जब ही दो से ऊपर जाएगा बहुवचन में आ जाएगा। अब चलिए नपुंसक लिंग में, किस में चलेंगे? नपुंसक लिंग में। किम, के, कानी, किम मतलब क्या या कौन, के मतलब कौन दोनों, कानी मतलब कौन शब्द। किम पत्रम, क्या पत्र, कौन पत्र, के पत्र, कौन दोनों पत्र, कानी पत्राणी, कौन सब पत्र पत्र। एते सर्वे सर्वनाम पुलिंग शब्दा सन्ति, ये सब जो सर्वनाम है ये पुलिंग है। एते सम रूपाणी त्रिखुलिंगे सुभवन्ति, और ये जो है तीनों लिंगों में चलता है, पुलिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी चलता है। अब देखिए, कह कौ के, का के का, किम के कानी। पुलिंग में क्या हो गया? कह कौ के, स्त्रीलिंग में का के का, नपुंसक लिंग में किम के कानी। एते साम रूपाणी त्रिखुवचने सुभवन्ति, ये जो किम शब्द है इसका तीनों वचन में रूप चलता है। ध्यानानि तथ्यानि, इसमें ध्यान देने वाली बिंदु बातें। प्रश्नवाचक रूपेण अपि सर्वनाम पदानाम प्रयोगः भवति, प्रश्नवाचक रूप का सर्वनाम पद के साथ प्रयोग होता है। कह कौ के, सर्वनाम पदानाम प्रयोगः त्रिखुलिंगेषु भवति, सर्वनाम पदों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है, पुलिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, नपुंसक लिंग में के। ये इस द्विवचन में है, ये एक वचन में है, ये एक वचन में। सर्वनाम पदानाम प्रयोग त्रिखुवचनेषु भवति, सर्वनाम पद का प्रयोग तीनों वचनों में होता है, एक वचन में। कह कौ के, का के का, किम के कानी, ये पुलिंग वाला हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखा हुआ है यहाँ पर। ये स्त्रीलिंग वाला हो गया का के का, और ये नपुंसक लिंग वाला हो गया किम के कानी। अब चलिए अभ्यास बनाते हैं।
कन्या है तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग के साथ का हो जाएगा, पत्राणि है नपुंसक लिंग तो क्या हो जाएगा कानी हो जाएगा, फलम है तो किम हो जाएगा, एक वचन में है तो एक वचन का हो गया। इसके बाद आप स्वयं बनाइए बहुवचने परिवर्तनम कुरुत, कह के किम कानी का इसको बहुवचन में परिवर्तित करना था, कह का उसको द्विवचन में, किम के काह का और इसका कऊ के का के कानी, इस तरह आपका यह रूप सिद्ध हुआ। पेज पलटिए अपने कॉपी पर, बुक से निकाल के इसको लिखिएगा। तत् शब्द रूप, तत् का पुलिंग वाला लिखा हुआ है सहतौते, स्त्रीलिंग वाला लिखना था सातेता, नपुंसकलिंग तत्ते तानी, किम में कह कऊ के, किम का पुल स्त्रीलिंग का के का, नपुंसकलिंग किम के कानी, पुलिंग वाला सर्वा सर्वौ सर्वे, स्त्रीलिंग वाला क्या हो जाएगा सर्वा सर्वे सर्वा, नपुंसकलिंग सर्वम सर्वे सर्वानी। इसके बाद खुद आप बनाइए, अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट करके आप उनसे पूछिए। आगे बढ़ते हैं, कस्य किम भूषणम, हस्तस्य भूषणम क्या है तो दान है, कंठस्य भूषणम क्या है, कंठ का भूषण क्या है शास्त्र सत्य है, श्रोत्रस्य भूषणम क्या है शास्त्र है, किम किम मधुरम इसको अपने से बनाइएगा, हसितम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, इस तरह आपका यह लेसन समाप्त हो गया। धन्यवाद।